हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टैफिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही होंगे। मैं भी व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। लगभग सभी यूज़र आज जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो सभी आजकल व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते, व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो बातें जान जाएंगे जो व्हाट्सएप की बातें आज तक आपको नहीं पता थी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर व्हाट्सएप के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? दोस्तों, व्हाट्सएप के जो फाउंडर हैं उनका नाम है ब्रायन एक्टन और जेन कून। ये दोनों आपस में दोस्त हैं। ये पहले जब व्हाट्सएप बनाने से पहले ये दोनों याहू के एम्प्लॉय हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने याहू को छोड़ दिया, वहाँ से इस्तीफा ले लिया और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि फेसबुक के पास में अप्लाई किया। इन्होंने फेसबुक के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन फेसबुक ने इनको रिजेक्ट कर दिया। बाद में इन्होंने बाहर मतलब कि आए और 2009 के अंदर इन्होंने व्हाट्सएप बनाया। व्हाट्सएप को बना के इन्होंने फिर बाद में फेसबुक को दिखाया। फेसबुक को प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, वो फिर बाद में इन्होंने ट्विटर के पास में गए लेकिन ट्विटर ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखी। ट्विटर ने भी बताया कि कोई ऐसा काम का ऐप नहीं है। फिर बाद में इन्होंने फरवरी 2010 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया और फिर बाद में क्या हुआ कि 2014 के अंदर फेसबुक खुद सामने आया और व्हाट्सएप को खरीद लिया $19 बिलियन के अंदर। $19 बिलियन आप जानते हो कितने होते हैं, इतने डॉलर के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया। और जिस दिन व्हाट्सएप को खरीदा था उस दिन वैलेंटाइन डे था। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है कि जितने भी जो मैसेंजर वाले ऐप होते हैं, जितने भी मैसेज हम सेंड करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो क्या होते हैं? वो उनके खुद के सर्वर होते हैं, उन सर्वर के ऊपर स्टोर रहते हैं। लेकिन व्हाट्सएप के साथ में ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप का भी सर्वर है लेकिन उस सर्वर पे वो मैसेज तभी तक रहता है जब तक सामने वाले के पास में डिलीवर नहीं हो जाता। तो व्हाट्सएप के अंदर क्या होता है कि जब भी मैसेज सामने वाले के पास में पहुंच जाता है वो सर्वर से डिलीट हो जाता है, यानी कि टेम्परेरी तौर पे व्हाट्सएप के सर्वर पे वो मैसेज स्टोर रहता है। जब वो सामने वाले के पास में पहुंच जाता है तब फिर बाद में व्हाट्सएप के सर्वर से वो मैसेज डिलीट हो जाता है। यानी कि अगर आप अपनी चैट का बैकअप आपके पास में नहीं है तो आपकी चैट का पुराने वाले जो मैसेज हैं उसको वापस देख पाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों क्या आपको पता है कि जितनी भी कंपनी आज तक आई है वो क्या करती हैं? सबसे पहले अपनी जो ऐप वगैरह है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी पहले सबसे पहले मार्केटिंग करती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है। लेकिन व्हाट्सएप ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप है, इसने एक भी पैसा अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है अपनी मार्केटिंग के ऊपर खर्च नहीं किया। ये जो व्हाट्सएप का जो डिज़ाइन वगैरह है, जो इसका कुछ यूनिक आइडिया वगैरह है, इसी की वजह से व्हाट्सएप चला है। इसने एक भी पैसा एडवर्टाइजमेंट में मार्केटिंग के अंदर खर्च नहीं किया है। दोस्तों, फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों आप सभी जानते होंगे शुरू में जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते थे तो वहाँ पर लिखा हुआ आता था कि आपको एक साल के ₹50 देने पड़ेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इंडिया के अंदर व्हाट्सएप ने किसी से भी ₹50 नहीं लिए थे। जैसे एक साल कंप्लीट होता था उसको एक्सपेंड कर दिया जाता था, अगले साल उसको फ्री दे दिया जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विदेश में क्या होता था कि विदेशी जो और बाकी कंट्री हैं उनसे व्हाट्सएप ने पैसे लिए थे और ₹50 जो भी रेट होती है वो उन्होंने लिए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप के अंदर हमें कोई ऐड देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब 2019 के अंदर व्हाट्सएप का ऐसा मानना है, व्हाट्सएप ने ऐसा बताया कि 2019 के अंदर जो स्टेटस वाला जो टैब होता है उसके अंदर आपको ऐड देखने को मिलेंगे, यानी कि व्हाट्सएप के अंदर भी आपको ऐड देखने को मिलेंगे। और जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है, जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ने अगर आपने यूज़ किया हो तो आप जानते होंगे जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है उसको आप फ्री यूज़ नहीं कर पाएंगे। 2019 के अंदर आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। तो व्हाट्सएप अभी तक हम फ्री यूज़ करते आ रहे थे, कोई ऐड वैड हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन 2019 के अंदर हमें स्टेटस वाले टैब के अंदर ऐड देखने को मिलेंगे और व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो पेड हो जाएगा। दोस्तों, फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के एक्टिव यूज़र कितने हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप के जो एक्टिव यूज़र हैं वो हैं 1.5 बिलियन यूज़र। जी हाँ, यानी कि लगभग 150 करोड़ जो यूज़र हैं वो एक्टिव यूज़र हैं और 450 मिलियन यूज़र स्टेटस पे एक्टिव रहते हैं। यानी कि जो रोजाना स्टेटस वगैरह लगाया करते हैं जो स्टेटस पे एक्टिव यूज़र हैं वो है 450 मिलियन और जो मैसेज वगैरह पे जो इन सब पे एक्टिव यूज़र हैं वो है 1.5 बिलियन यूज़र। इतने एक्टिव यूज़र व्हाट्सएप के अंदर हमेशा रहते हैं।
दोस्तों फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप की कमाई कितनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्हाट्सएप की जो कमाई है एक साल के अंदर वो नासा के बजट से भी ज्यादा है। आप जानते होंगे नासा सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है, स्पेसशिप वगैरह बहुत सारे काम करता है नासा, लेकिन व्हाट्सएप की जो कमाई है वो नासा के एक साल के बजट से भी ज्यादा है, इतना कमाता है व्हाट्सएप। आप सोच सकते हैं व्हाट्सएप की कितनी ज्यादा कमाई होगी। दोस्तों फैक्ट नंबर 7, दोस्तों व्हाट्सएप एक इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि व्हाट्सएप के अंदर मात्र 55 एम्प्लॉय ही काम करते हैं। पूरे व्हाट्सएप को, सर्वर वगैरह को, ऐप को, यूजर्स को, जो भी ट्रैफिक वगैरह हो, तुम सबको मात्र 55 जो इम्प्लॉई हैं वही उसको संभालते हैं। पूरे व्हाट्सएप को जो मैनेज करने का काम है, उसको एडिटिंग वगैरह, अपडेट वगैरह करना, सारा काम मात्र 55 एम्प्लॉयज के अंदर ही होता है। और व्हाट्सएप के ये जो एम्प्लॉई हैं ये बहुत ही एक्सपर्ट हैं, हर व्यक्ति इसके अंदर नौकरी वगैरह नहीं पा सकता, मतलब कि ये नौकरी वगैरह की ज़्यादा डिमांड भी नहीं करते, लेकिन 55 एम्प्लॉय ही पूरे व्हाट्सएप को संभालते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 8, ये आखिरी फैक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप के अंदर कितने मैसेजेस भेजे जाते हैं एक दिन के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4700 करोड़ मैसेजेस एक दिन के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा 160 करोड़ फोटो सेंड की जाती हैं और 25 करोड़ वीडियोज व्हाट्सएप के अंदर पर डे शेयर किए जाते हैं। सोच सकते हैं व्हाट्सएप कितना परफॉर्म, कितना ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करता है एक दिन के अंदर। एक दिन में इतने सारा ट्रैफिक व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया जाता है, इतने सारे मैसेजेस भेजे जाते हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो 27% जो लोग सेल्फी लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की वजह से ही लेते हैं, यानी कि 27% सेल्फी लेने का जो रीज़न है वो व्हाट्सएप ही है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज इस ये जो व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फैक्ट जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या फैक्ट आपको इसके बारे में पता थे पहले से, और क्या आपने इस वीडियो के अंदर नया सीखा। जाते जाते एक व्हाट्सएप की ट्रिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा आपका कोई ऐसा दोस्त है या फिर कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट है आपका और आपको उसके ऊपर शक है कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह तो उसकी दिख जाती है लेकिन आपको शक है कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो उसको कैसे पहचाना जाए। उसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, उसको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करके देखिए, अगर वो ऐड हो जाता है तो इसका मतलब उसने आपको ब्लॉक नहीं किया, अगर वो ऐड नहीं होता है, फेल्ड आ जाता है, कुछ भी रीजन से ऐड नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो एक सिंपल सी ट्रिक थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। सो फ्रेंड्स, ये थे व्हाट्सएप के कुछ फैक्ट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को व्हाट्सएप के बारे में पता चल सके। मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरा कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।